प्यारे भारतवासियों, सुप्रीम नमस्कार। आज मैं आपके सामने इस बात की व्याख्या करने जा रहा हूँ कि हिंदुत्व क्या है, सही मायने में इसका क्या अर्थ है, समरसता क्या है। आइए जानते हैं। पिछले 2500 वर्षों से हिंदुस्तान ने कई सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उतार चढ़ाव देखे हैं। यूनानी आक्रमणों से लेकर मुगलों के हमलों तक और फिर अंग्रेजों और नकली सेकुलर नव मुगलों तक हम जीवन मरण की कठिन लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इस महाविकट दौर में हिंदू समाज के जीवन का ताना बाना बिखर गया। धर्म शास्त्रों के गलत और मनमाने अर्थ लगाए जाने लगे। कुरुतियां प्रबल होती, जातिगत भेदभाव और छुआछूत की भावनाओं ने जड़ें जमा ली और हिंदू समाज में विषमता के विष बेल मानो अमर बेल की बन गई। हम छोटे छोटे समूहों और जातियों में बट गए। समाज का बड़ा वर्ग सम्मान से वंचित हो गया। महिलाओं का सम्मान और भागीदारी कम हो गई। समाज ने स्वयं को सिकोड़ लिया। जातिवाद बढ़ गया और धर्म का अभिमान कमजोर हो गया। यह एक वास्तविकता है, लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि जाति भेद और विषमता को धर्म ग्रंथों, धर्माचार्यों और महान व्यक्तियों ने कभी समर्थन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो हमेशा सहअस्तित्व समरसता की बात कही। हिंदुत्व हमेशा असहिष्णुता से कहीं आगे बढ़कर समादर की बात कहता आ रहा है, बहुजन हिताय की नहीं सर्वजन हिताय की बात कहता आ रहा है। धर्म ग्रंथों में समरसता कैसे बताई गई है, आइए देखते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, अर्थात सभी में ईश्वर समभाव से विराजमान है। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, अर्थात जब सभी में ईश्वर की अनुभूति होती है तब सभी प्राणियों के प्रति देश भाव समाप्त होकर मित्रता, करुणा व प्रेम का भाव विकसित होता है। ऋग्वेद में कहा गया, एकम सद विप्रा बहुधा वदतिम, अर्थात परम तत्व एक ही है। ज्ञानी लोग इसका वर्णन अपने अपने प्रकार से करते हैं। हे मनुष्यों, आपस में मिलकर चलो, आपस में मिलकर बात करो, तुम्हारे मन एक समान होकर ज्ञान को प्राप्त करें। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सभी विचारों के सम्मान हेतु ऋषियों ने हमें एक अमृत सूत्र दिया। इसने हमारी विचारधारा पर सहिष्णुता और समादर की अमित छाप अंकित कर दी। इसी बात को हमारे संतों ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने विधर्मियों के हमलों और सद्धर्मियों के ढकोसलों से हमारी रक्षा की और धर्मांतरण की आंधी के बीच सद्धर्म पर खड़े रहने का भाव जगाया। भगवान महावीर ने कहा, किसी को दास ना बनाओ, किसी के मन को ना दुखाओ और किसी का शोषण ना करो। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर तो अबैर अर्थात मैत्री से ही शांत होते हैं, यही सनातन धर्म है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने चार धामों की स्थापना कर भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक एकता को दृढ़ किया। आदि शंकर का आत्म तत्व जाति भेद, पिता माता मित्र गुरु शिष्य आदि भेदों से ऊपर है। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, वे ब्राह्मण के घर जन्मे पर शूद्र गुरुओं का शिष्यत्व स्वीकार किया। वृद्धावस्था में स्नान के लिए जाते समय दो ब्राह्मणों और स्नान के बाद लौटते समय दो चरमकारों के कंधों का सहारा लेते। उन्होंने कहा, जाति नहीं वरन गुण ही कल्याण का कारण है। जाति के अहंकार से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं। श्री स्वामी रामानंद जी कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि का होई। उन्होंने सभी जातियों के 25,000 शिष्यों की व्यापक शिष्य परंपरा खड़ी की, सभी को एक ही राम मंत्र की दीक्षा दी। संत कबीर जी कहते हैं, एके त्वचा हाड़ मलमूता, एक रिधुर एक बुदा, एक बूंद सोम स्त्रिष्ट रचि को बामन को सुदा। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक है पवन एक है पानी, एक है मटिया एक कुमारा, एक सवन का सृजनहारा।
संत रैदास जी ने जन्म के आधार पर ऊंच नीच को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की खींच। सिकंदर लोधी ने संत रैदास को कठोर दंड देने की धमकी दी तो उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा, गंग त्याग गहूं ताल किनारा, प्राण तजू पर धर्म न देहूं, तुमसे सहा सत्य कह देहूं, चोटी शिका कहूं नहीं त्यागूं, वस्त्र समेत देह बल त्यागूं, कंठ कृपाण का करो प्रारा, चाहे डुबो वो सिंधु माझारा। तुलसीदास जी ने सबसे निचली श्रेणी पर खड़े व्यक्ति को समाज के सर्वोच्च व्यक्ति के से सम्मानित कराया। तुलसी के राम देवी शबरी से कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर तो ही कहता, बिनु जल वायु देख ही जैसा। संत मलुकदास जी कहते हैं, मलुक का सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर ना जाने ही सो काफिर बेपीर। गुरु नानक जी कहते हैं, जानू ज्योति ना पूछू जाति, आगे जाति ना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जाति का गर्वू ना करियहु कोई, भ्रमु विंदे सो ब्राह्मणु होई, जाति का गर्वू करी मूर्ख द्वारा, इसी गर्व से चले बहुत विकारा। संत सिंगाजी कहते हैं, रूप ना ही जाही देखा, ना ही जाही है कुल गोत्र रे, बिन देही को साहब मेरा, झिलमिल देखूं जोत रे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमें आज तक सिखाया गया कि मात्र देवो भाव, पितृ देवो भाव, आचार्य देवो भाव, परंतु अब मैं कहता हूं चांडाल देवो भाव, दरिद्र देवो भाव, शूद्र देवो भाव। महात्मा गांधी कहते हैं, छुआछूत से खराब चीज दुनिया में और कोई नहीं आ सकती। आज प्रस्ता सेक्स फन वाला सर पे, इसके एक एक फन में विषैले दांत हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, हिंदू समाज जाति भेद मुक्त एकात्म होकर आत्मरक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली बना तो ही उसके लिए आशा है, अन्यथा शायद हिंदुओं का स्वराज्य गुलामी की गर्त में उतरने की एक सीढ़ी सी हो जाएगा। मेरा सामाजिक तत्व ज्ञान जिन तीन शब्दों में व्यक्त किया सकता है वे हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इन महान ग्रंथों, संतों और साधकों से प्रेरणा लेकर हजारों लोग समाज में समरसता को दृढ़ बनाए रखने का काम करते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य हिंदू संगठन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हिंदू समाज को संगठित और निर्दोष बनाने के लिए ही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार जी ने सन 1925 में संघ की स्थापना की थी। समरसता कैसे होगी और हम इसके लिए क्या करें? सबसे पहले स्वयं से और स्वयं के घर से शुरुआत करें। आपसी चर्चा में जाति का उल्लेख ना करें, जाति सूचक विशेषणों का प्रयोग ना करें। ग्रंथ में घर में संतों व समाज सुधारकों का कम से कम एक चित्र अवश्य लगाएं। पर त्योहारों पर घर में सभी जातीय के लोगों को बुलाएं। दुर्बल समाज के कार्यक्रमों में अवश्य जाएं, सहयोग करें। आपने गांव के मंदिर, पानी व शमशान सबके लिए खुले और सुलभ बनाएं। इसमें भेदभाव ना हो। अपने गांव, बस्ती, मोहल्ले को समरसता युक्त और विषमता युक्त बनाएं। आइए धर्म ग्रंथों, संतों और महापुरुषों के कथन को साकार करने के लिए हम सब सक्रिय हों। शक्ति ही धर्म वृक्ष का मूल है। शक्ति संगठन से आती है और संगठन का आधार है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 125वें जन्मवर्ष में आइए हिंदू हम सब एक का अमृत संदेश घर घर फैलाएं। जाति पाति के दुराग्रह छोड़ें और सिर्फ भारत भक्ति के आधार पर एक धर्म हिंदू, एक जाति हिंदू, एक गोत्र हिंदू और एक पंथ हिंदू का भाव लेकर सबको गले लगाएं, सबसे गले मिलें, साथ देखें, साथ रहें, साथ बढ़ें, साथ बढ़ाएं। हिंदू हम सब एक का भाव ही भारत की समस्याओं का समाधान है, क्योंकि हिंदू प्रश्न का नहीं उत्तर का नाम है। मंदिर, पानी और शमशान सबके लिए हो समान। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।